कमलेश और जयवीर कमलेश भाई टाइप पर है, कमलेश भाई टाइप पर है और जयवीर भाई नॉन टाइप पर है। Yeah, I'm gonna go to the hospital.
सम्मान देते हुए ओवर की समाप्ति एक ओवर रन रन देंगे। नया बॉलर शाहिद भाई सम्मान देते हुए और हमारे वन नंबर रन का कौशिक भाई दर्जी उर्फे गोका भाई का हार्दिक स्वागत है। Yeah.
एक रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति 26 रिलायंस की ओर से अगला बॉलर दुबे बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है ऑलराउंडर और के हाथ में
का ये पहला मुकाबला था। दूसरे पैंटर के बीच में जिसने किसी भी समस्या के जरिए पंद्रह पैंटर्स अपना मैच खेल नहीं पाई और सीधा सीधा यह मुकाबला लॉर्ड जीरो ने जीत लिया है और वो सेमीफाइनल के रेस में है। दूसरा मुकाबला है एमवाईसी लायन और ब्लैक कैप्टन थे। देखते हैं अगले दिन सेमीफाइनल में कौन अपना रास्ता बनाएगी। नए बल्लेबाज आए हैं राहुल और ये सम्मान के साथ के लिए हुई गेंद बिल्कुल कोई रन नहीं, गेंद सीधा बॉलर के बॉलर रूम है। इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति। 8 ओवर 32 रन 5 विकेट बहुत ही बढ़िया शुरू करेंगे बादरिया और अपने एक्शन भूल गए हैं शायद, ऐसा लगता है अपने रंग में बंद करते हुए। और यह बहुत ही बढ़िया शॉट लगा है लेग साइड की ओर, अब कई सारा 6 रन के लिए। ब्लैक कैप को अपनी अगर ये रेस आगे बढ़ानी है तो कुछ इस तरीके से शॉट खेलने पड़ेंगे और अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया बैटिंग और अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। अगर इस टीम को आगे जाना है तो कुछ इस तरीके से बैटिंग शॉट लगाने पड़ेंगे तब जाके ये टीम अपना सेमीफाइनल का रास्ता तय कर पाएगी। बहुत ही बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए जावेद और राहुल ने तो बहुत ही बढ़िया आते ही तो लेग साइड की ओर बहुत ही बढ़िया चक्के लगाए हैं। अब एमआईसी का कैंप कुछ टेंशन में 44 रन पांच विकेट का नुकसान पर पादरी अपनी गेंद करेंगे। राहुल फिर से एक दफा पादरी अपनी गेंद और एक्शन दोनों भूल गए हैं और ये पहली बार पेनल्टी हुई अंपायर का इशारा वाइड। मुझे ये लगता है ये हैट्रिक फिक्स होने वाली है और बैटिंग शॉट लगाने की कोशिश लेकिन खाली खाली डॉट 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 बॉल। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए राहुल और एक बैटिंग गेंद किए पादरिया ने अपनी गेंद में वापसी करते हुए। देखते हैं अपनी गेंद कहां डालते हैं। एक बैटिंग शॉट सीधे बल्ले से खेली हुई है लेकिन गेट में बिल्लर मौजूद से बेकार से संतोष मानना पड़ेगा। स्ट्राइक अपनी रोटेट करते हुए इस ओवर की ये आखिरी गेंद। और ये लेग साइड घुमाने की कोशिश बहुत ही बाहर गेंद अंपायर का इस तरह वाइड एंड बाय। शायद कुछ अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हैं पादरिया। कभी गाय कभी गाय और ये बल्लेबाजी करते हुए ब्लैक कैप के ये दोनों नौजवान बहुत ही बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा किया है यहाँ पे।
बेहतरीन गुस्सा की तरफ खेल रहे हैं। अगला बैट्समैन है अजय डाबेली। ये वो अजय है डाबेली है जिन्होंने पिछले मैच में पूरा रूप बदल दिया था, हाईलाइट को दिखाया था। आज देखते हैं कुछ बची हुई उस गेंदों में अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं और कितना स्ट्राइक से ये बल्लेबाज खेलता है। अजय डाबेली किया। एक ओवर की है आखिरी गेंद
आखिरी बॉल आखिरी मैच किसी भी हो सकती है, कल सुबह कल हो ना हो। उतनी बेहतरीन शॉट लगाई लेग स्टार की ओर, लेकिन गेंद सीधा डाली वाले चाचा के हाथ में, यानी कदम बल्कि हो गया। क्या एक पुस्ते रन चाचा, क्या रोल में कामकांडा को चली एक दो ओवर से सौ बॉल से तो कॉपी वारो दूसरी थी मजा आता है वो। अब आए हैं दिनेश आखिरी ओवर लेके, देखते हैं ब्लैक कैप अपना काला जादू कहां तक टिकट पाता है और कितने रन बना पाता है। मेरा जान के दुआ चल रहे हैं, क्या कर रहा है ब्लैक कैप, क्या कर रहा है ललका रोज का पूरा यार जो पूरा और ये आखिरी ओवर की तीसरी गेंद, नया बल्लेबाज के रूप में आते हुए मिलना है आखिरी ओवर में बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग गेंदबाजी करते हुए अंबाजी लाइन का बॉलर, ये भी काली काली डॉट बॉल सुने, बहुत बढ़िया अपनी लाइन में नजर आते हुए। और ये सीधे बल्ले से खेला हुआ और क्या स्थिति सीमा रेखा के बाहर अंपायर का इशारा, छह रन के लिए चक चक चक। बहुत ताकत और स्वच्छता, जितनी भी तारीफ की जाए इतनी कम है मिलन के जरिए। बिल्कुल आप इसको सस्ते मत 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 लीजिए, आपको और ये रन बनाने हैं। देख सकते और घुमाने की कोशिश, लेकिन खाली खाली डॉट 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 डॉट। इस मैच की ये आखिरी गेंद और ये भी पारी और अब कई सारा आउट, इसी के साथ पहली इनिंग समाप्त हुई ब्लैक कैप के जरिए। पूरा सिक्योरिटी है इसको देख दो, ये हमारे 77 रन बनाए ब्लैक कैप ने। एमवाईसी लाइन को जीतने के लिए 78 रन चाहिए 72 बॉल में। पता नहीं इंसानों का आज बल्ला पकड़ने का मौका आएगा या वैसे भी अपनी छोटी मुस्कान ले। चैलेंज है उसको कि अगर डब्बा खेलते हैं अगर वो काफी अच्छी समझ के है तो यहाँ डब्बा खेलने के लिए आ जाए, अगर वो जीतेंगे तो मेरी तरफ से डबल उनको दिया जाएगा। वो दुख के साथ वापस ले जाए हमारे तरफ से। आज की शाम का ये दूसरा मुकाबला ब्लैक कैप और एमवाईसी लाइन के बीच, पहली गेंद अंबर का इशारा, चार रन के लिए शुरुआत किया गया एमवाईसी लाइन ने। ड्रेसिंग रूम से ही अपनी आगे स्टार्ट करके आए हुए हैं। पहली गेंद और कंट्रोल डाली थी और करोड़ा जाप दिया वाजिद ने बाउंड्री के उस पार गेंद को पहुंचाते हुए।
ब्लैक ज्ञान की ये खोखरी ज्ञान देखते कहा जाते हैं वाजे और उसने चट्टान के साथ खेल दिया बल्लेबाज ने सीधा फील्डर के हाथों में काली काली बैट बॉल तीसरी गेंद करेंगे वाजे और तीसरी गेंद भी पूरे सम्मान के साथ खेली गेंद सीधा बॉलर के बॉलर थ्रू में बहुत सूझबूझ के साथ खेला जा रहा है यहाँ पे चौथी गेंद ये और अंपायर का इशारा राय कोशिश दफा बाहर गेंद करते हुए ये पहली ओवर की चौथी गेंद देखते कहाँ डालते हैं और एक बेहतरीन शॉट लगाने की कोशिश लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में पहले गेंद से चार रन दे दिए थे एक एक्स्ट्रा दिया था लेकिन बाकी सारी गेंद बहुत बढ़िया डाली और एक बेहतरीन गेंद का मुजाहरा करते हुए ब्लैक कैप के ये बॉलर थोड़ी देर के लिए गेंद बिल्कुल हवा में रही थी इस ओवर की आखिरी गेंद बिल्कुल अपनी सही सोच के साथ उतरी है ब्लैक कैप और एक बार बैटिंग गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल पहली गेंद पर बाउंड्री लगाने के बाद वापसी की है ब्लैक कैप ने जो फिलहाल अपने बॉलिंग के पावर से जानी जाती है एक ओवर पांच रन बिना विकेट के लिए किसी को भी छोटा समझने की कोशिश ना करें क्योंकि फिलहाल अपनी गेंदबाजी कर रही है बड़ी बड़ी अच्छी खासी चट्टान जो इन्होंने धोल चटाई है कुछ ऐसा ही नेक इरादा लेके ये टीम आज क्वालिफाई की रेस में है और इनको बिल्कुल हम एक दफा और बताते हैं अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें पहली गेंद पे फिलहाल आपने देखा बाउंड्री लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया पूरी ओवर की अगला बॉलर ब्लैक कैप का धीरे टीम का दूसरा अपना पहला ओवर लेके आए हैं देखते हैं कहां पे ये गेंदबाजी कर रहे हैं ये हाथ वाली डाली हुई थी लेकिन साहिल बिल्कुल समझ नहीं पाए वो चाहते तो इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज सकते थे लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी में है साहिल इस मैच को खत्म करने के मोड में दूसरी गेंद जीरो को एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पे जीरो की और सम्मान के साथ खेला साहिल ने फिलहाल ये वो बंदा खेल रहा है जो पूरी पीपीएल में 100 रन लगा चुका है और अंपायर का इशारा अपनी लाइट पाते हुए और दूसरी गेंद सीमा रेखा के पास अगर ब्लैक कैप को ये मैच जीतना है तो जल्द से जल्द साहिल का विकेट लेना पड़ेगा पूरे पीपीएल में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले ये सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज है जिन्होंने 100 रन लगाए 12 ओवर के छोटे फॉर्मेट में
घर में डाली हुई लेकिन उतने ही सम्मान के साथ खेल दिया साहिल ने। धीरू भी कुछ कम नहीं है, उनको पता है क्या क्या करनी है, किस तरीके से एमवाईसी को रोकना है। ये वो टीम है जिन्होंने बड़ी बड़ी चट्टान उखाड़ के फेंकी है। बिल्कुल कुछ कहा नहीं जाता ब्लैक कैप के बारे में, इनकी रेस कहां तक जाएगी। एक और आंख वाली गेंद डाली हुई, कटी हुई गेंद, लेकिन कोई रन नहीं बना पाए बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति से स्कोर पहुंचा है एमवाईसी लाइन का 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यानी 60 गेंदों में 78 रन बनाने हैं अभी भी। डे टू यू 78 प्लेयर, कहीं मत जाइए, बिल्कुल इस मैच में 100% रोमांच आने वाला है। साइड पर वो कोर्स अटेंडिंग करोगे खुल गया नहीं वो। और ये सीधे बल्ले से चली हुई गेंद और गेंद भी सीधा स्टेट में बाउंड्री के पार अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगाते हुए ब्लैक कैप को ये मैच जीतना है तो इन दोनों को वापस पहले से देखना पड़ेगा। हाँ भाई बारी है और एक बेहतरीन शॉट लेकिन फिल्लर उससे लेकिन रोक नहीं पाए और अंपायर का इशारा 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए एमवाईसी लाइन के ये दो बल्लेबाज और एक बैटिंग शॉट और इस बार भी गेंद सीधी सीमारेखा के पार अंपायर का इशारा 4 रन के लिए। बबूले के तरह हाथ घुमाते हुए हमारे अंपायर शरद महाराज शुक्ला त्रिवेदी बड़े मामा व्यास गुरोही अगर इसके लिए मैच जीती है तो जल्द से जल्द विकेट वापस ट्रेवलिंग में भेजना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया हर एक गेंद को शॉट लगाते हुए और बिल्कुल अंपायर का इशारा कुछ कहा नहीं जाता। इन बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया यहां तक पहुंचने में और एक बार बैटिंग शॉट सीधे बल्ले से और गेंद सीधा सीधा भाई के कैरेट में जाती है। 95 मीटर का ये सिक्सर है और कारिया बंदा बड़ी मुस्कान लेके यहाँ पे घूम रहे हैं, उसको गोली मारने का मन कर रहा है मेरा। अंपायर का इशारा वाइड अगली गेंद और एक बेहतरीन गेंद सीधा टांगों में और ये खाली खाली डॉट बॉल बहुत लंबी टांगे है इनकी करीब लंबी की टांगे है बिल्कुल अच्छी टांगे है। और एक बैटिंग शॉट लेकिन फील्डर के सिर के ऊपर से और अंपायर का इशारा 4 रन के लिए।
49 रन। ये अच्छे नुकसान वगैरह धोखा करना है मैच का आधा सफर राजेश जयसवाल।
ये चुनक 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 ललकार ये बिल्कुल है मैं गारंटी, लेकिन अपनी टांग को 90 डिग्री पे डालते हुए और लेग साइड को घुमा दिया अंपायर का इस तरह दौरान चले गया। चाचा जान लेग साइड कोई नहीं है, बैटरी वाला का क्या पड़ा? ओके ओके लव यू बच्चा। अंपायर का इशारा वाय, रियाज पूरी टूर्नामेंट में बैटिंग में थे लेकिन आज उनका बल्ला जो था चल तुम बोल रहा है। देखते हैं एमआईटी लाइट की रेस कहां तक ले जाते हैं। रियाज एक और लेग साइड घुमाने की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा वाय। कॉमेडी बॉक्स में सब दिनी मैं चाय पीने जाऊंगा और मेरी जगह पे है शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ राम सिंह लोहा उर्फ प्राओ। क्या बात है, क्या बात है, और कितना हुआ लगातार। ग्रीन का फायदा उठाते के नाइन बैट्समैन भाई मार देते हैं बैटमैन फायदा उठाते हैं कि नहीं। अच्छी गेंद और एक रन का इशारा सीधे कीपर के ठीक से। दो बॉल में आजीत भाई एक बॉल में लेटर की ओर लगा है। और टैंक पर है की ओर एक ही रन मिलेगा है। और हवा में गेंद देखते हैं चाहिए के लिए चलो
और स्टेट में लगा है बीएसएनएल चौका और इस समाप्ति 11 रन की जरूरत। राहुल की ओर से 11 रन की जरूरत है। कभी कभी शाम को कैंटीन में भी जाते हैं खाना पीरोसने के लिए और वही ये घोष भी लाए हुए हैं, कैंटीन के घोष पहने हुए सानो। क्या बात है संदीप भाई, क्या बात है, टाइपर है सानो नया बैट्समैन जाने मां ठीक है। तो मैं फिर चक्कर लगाया भगवान की चारी कौन ये करवल लगा है। पहली गेंद में सानू ने गेंद बाउंड्री के बाहर भेज दी है क्योंकि इस ग्राउंड में सानू का अपना पर्सनल स्कोर है। 6 गेंदों में 38 रन लगाए थे, 6 गेंदों में 6 सिक्सर है। एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश लेकिन सानू नाकामयाब। जीतने के लिए और बैटिंग स्कोर। इसी के साथ लाइटें बंद होगी, ये मैच एमवाईजी ने जीत लिया है और हमारे प्रेक्षक जिन्होंने कैच